हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड फिजिक्स की। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे अप्लाइड फिजिक्स में दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स के जो चैप्टर्स है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसका शून्यांक नियम है, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम जो ऊष्मागतिकी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल आपको मैक्सिमम ईयर पूछे गए। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, ये 2010 में पूछा गया है, ये आपको 2010 ही नहीं दोस्तों और भी ईयर सभी सेमेस्टर में पूछे गए हैं, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आप पूरा क्लियरिटी के साथ समझिएगा, इसमें बहुत ही अच्छे से आपको इसमें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फर्स्ट लॉ क्या होता है, कैसे इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस रखें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए कि दोस्तों के पास। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं इनका क्या कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखिए, जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय अर्थात थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है को ऊष्मा दी जाती है, डेल्टा क्यू ऊष्मा, अगर कोई थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी निकाय है उसको हम डेल्टा क्यू, कितना डेल्टा क्यू ऊष्मा जब देते हैं तो उसमें ऊष्मा दो प्रकार के रूपों में व्यय होती है। अगर जब किसी थर्मोडायनेमिक्स क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डेल्टा क्यू ऊष्मा देती है तो वह दो रूपों में व्यय होती है। पहला है दोस्तों, निकाय द्वारा कार्य डेल्टा डब्ल्यू करने में, निकाय द्वारा कार्य डेल्टा करने में, और दूसरा है निकाय में आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू में वृद्धि करने में। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो होती है, डेल्टा क्यू जो वृद्धि मतलब व्यय होती है कुल मिलाकर, वो आपका डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के में व्यय हो जाती है। तो आइए आगे आपको क्या मतलब, ये आपका ऊष्मागति का प्रथम नियम होता है कि जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय को हम डेल्टा क्यू ऊष्मा देते हैं तो वह दो रूप में व्यय हो जाती है, एक होता है डेल्टा डब्ल्यू में, एक होता है डेल्टा यू में। डेल्टा डब्ल्यू मतलब निकाय द्वारा किया गया कार्य, देखिए पर किया गया कार्य, द्वारा किया गया कार्य में बहुत अंतर होता है, इस बात को आप समझिएगा। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय हुआ। अब आगे समझिएगा, तो आप लिख सकते हैं यदि किसी निकाय को कुल दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू इजक्वल टू, क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इजक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और आगे दोस्तों आप लिख सकते हैं डेल्टा यू इजक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, अगर आंतरिक ऊर्जा में आपको परिवर्तन निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, उसको उधर भेज कर पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं यदि किसी मतलब किसी ऊष्मा निकाय को किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, ये आपका डिफिनीशन, ये आप कहेंगे ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का रूल हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा वो होगी किसके बराबर, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य डब्ल्यू, कौन डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू के योग के बराबर होगी, अर्थात डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसी को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम का एक रूप होता है, इसको मतलब कह सकते हैं कि जो प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब यहाँ से डेल्टा क्यू दे रहे हैं और यहाँ पर आपका व्यय हो रहा है, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट आप समझिएगा, इसके बाद अनुप्रयोग आपको बताने वाले, ये प्रथम नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएगा, तो 3 से 4 नंबर का आपको क्वेश्चन ये रहता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा दोस्तों कि समस्त राशियों डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू ये सभी क्या होते हैं, एक ही मात्रक में प्रयुक्त होना चाहिए। अगर आप कहीं पर इसको प्रयुक्त कर रहे हैं, ठीक है, जब इसको यूज करेंगे तो आपके तीनों राशि अर्थात कैलोरी या जूल में आप जानते हैं दोस्तों जो ऊर्जा होती है कैलोरी या जूल में होती है, तो जो भी होगा यह या पर आप सभी को कैलोरी में रखिए या फिर आप सभी को जूल में रखिए, तो वहीं पर यहाँ कहा जा रहा है कि डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू के लिए एक ही मात्रक कैलोरी या जूल होना आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो क्यू पॉजिटिव होता है तथा जब निकाय से ऊष्मा ली जाती है तो क्यू निगेटिव होता है। अब यहाँ हम आपको बताएंगे डब्ल्यू कब पॉजिटिव होता है और डब्ल्यू कब निगेटिव होता है, यू कब पॉजिटिव होता है, यू कब निगेटिव होता है, और क्यू कब पॉजिटिव होता है और क्यू कब निगेटिव होता है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों देखिए, जब किसी निकाय को ऊष्मा आप दे रहे हैं,
ठीक है, तो क्या होगा, आप दे रहे हैं अर्थात आप पॉजिटिव हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं, अर्थात आपके पास क्या है, ऊर्जा ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, आप पॉजिटिव हैं, तो आप ऊष्मा दे रहे हैं, अर्थात आप क्या हुआ, पॉजिटिव होगी, तब क्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब क्या होगा, किसी निकाय से ऊष्मा ली जाएगी तो क्या होगा, आपके पास अर्थात नहीं है, आप ऋण ले रहे हैं, तो आप क्या हुए, निगेटिव हुए। इसीलिए जब ऊष्मा देंगे तो आप पॉजिटिव क्यों होगा, और जब लेंगे तो क्यों निगेटिव होगा। अगला दोस्तों आपको नियम क्या समझना है, जब निकाय द्वारा काम किया जाता है, अर्थात जब निकाय खुद कार्य करता है, जैसे आयतन को बढ़ने में, जब आयतन बढ़ता है तो क्या होता है, निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, तो जब निकाय द्वारा काम किया जाता है तो डब्ल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अर्थात दोस्तों अगर आप कोई कार्य करते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आप पॉजिटिव हैं, तभी तो वो कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए आप याद कर सकते हैं, जब निकाय द्वारा अर्थात आप खुद कार्य कर रहे हैं तो वो क्या होगा, निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर निकाय पर कार्य किया जाएगा, ठीक है, आप दूसरे की सहायता से कह सकते हैं, या निकाय पर ही कार्य किया जाएगा तो वो क्या होगा, डब्ल्यू आपका निगेटिव होगा। ठीक है, खुद करेंगे तो पॉजिटिव, और मतलब आप पर कार्य किया जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव। अगला है दोस्तों, ताप बढ़ने पर आंतरिक ऊर्जा में क्या होती, वृद्धि होती। सिंपल सी बात दोस्तों, आपको फार्मूला याद होगा, ताप बढ़ने पर आपका उसमें क्या होता है, टी होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपका क्या हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, डेल्टा यू पॉजिटिव होता है, और ताप घटने पर आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, क्यू डेल्टा यू निगेटिव होता है। वेरी सिंपल, मतलब ताप बढ़ा, डेल्टा यू का मान बढ़ा, पॉजिटिव हुआ, ताप घटा, आंतरिक ऊर्जा का मान घटा, आंतरिक ऊर्जा का मान घटा, मतलब डेल्टा यू निगेटिव हुआ। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, अगर ऊर्जा बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा डेल्टा यू, ऊर्जा घट रही है तो आपका ऊर्जा, कौन ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, ऊर्जा मतलब आंतरिक ऊर्जा। अब अगला पॉइंट दोस्तों इसके बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, अप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या होता है ये देखिए, इसमें तो आपके बहुत है दोस्तों, यहाँ साइकिल प्रोसेस है अर्थात चक्रीय प्रक्रम, समतापी, आप सभी को आपको पता होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, यहाँ पे बहुत से प्रक्रम है, हम आपको एक एक आपको डिनोट करेंगे। जैसा पहले आपसे कहा गया साइकिल प्रक्रम, समझिएगा, जब किसी निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलकर विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पूर्व अवस्था अर्थात प्रारंभिक अवस्था पर आ जाता है तो ऐसे प्रक्रम को चक्री। अर्थात दोस्त अगर आपने घर से चले और घर पर ही आप वापस आ गए तो ये क्या हुआ, ये चक्री प्रक्रम हुआ। अर्थात सभी रास्तों से गुजरते हुए आप अपने घर से निकले हैं, और मतलब आप दोस्तों जैसे घर गए हैं, इस समय आपने कॉलेज से निकला और कॉलेज से सभी ट्रेन की सहायता से आप गए और वहाँ पर फिर कॉलेज आ गए, तो आपने क्या किया, एक प्रक्रम पूरा किया, लेकिन आप जहां से गए वही प्रारंभिक अवस्था, मतलब वहीं पर आप फिर से आ गए, तो ये क्या हुआ, एक चक्री प्रक्रम हुआ। मतलब आप कह सकते हैं जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलकर पूर्व अवस्थाओं से गुजरता हुआ, मतलब इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, आप जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से आपको आना है, ठीक है, ऐसा नहीं आप रास्ता यहां चेंज करेंगे, ऐसा यहां पर है कि जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलकर पूर्व अवस्थाओं से होता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो ऐसे प्रक्रम को चक्री प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है, चक्री प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आंतरिक ऊर्जा में कोई क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आपका यहां पर जिस रास्ते से आप गए थे उसी रास्ते आपने पुनः वहीं पर आपने प्रारंभिक अवस्था में आ गए तो क्या हुआ, डेल्टा यू इक्वल आपका जीरो हो जाएगा। और इस फार्मूले से आप क्या कह सकते हैं, अगर आपका डेल्टा यू इक्वल जीरो हो गया तो आपका क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो ये आपका फिर ये जीरो हो जाएगा, तो जो आपका ऊष्मा देंगे वो टोटल क्या होगा, कार्य करने में जाएगा। टोटल क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, जब आपका डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो चक्री प्रक्रम में गैस को दी गई ऊष्मा गैस द्वारा किए गए नेट कार्य के बराबर होगी, ठीक है, फिर उसमें आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में कोई व्यय नहीं होगा, टोटल उसके नेट कार्य को करने में होगी, अगर आपका चक्री प्रक्रम होगा, चूंकि वहां पर डेल्टा यू का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है, चूंकि वही रास्ते से पुनः प्रारंभिक अवस्था में अपने आ गया। आगे दोस्तों आपको दिया गया समतापी प्रक्रम, समतापी से आपको नाम से ही पता चल रहा है, समतापी का मतलब टेम्परेचर, समताप मतलब ताप जो होगा समान होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अगर आपका ताप स्थिर होता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा। दोस्त अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि अगर आंतरिक ऊर्जा का मान तब बढ़ता है जब टेम्परेचर ताप का मान बढ़ता है, अगर टेम्परेचर का मान घटता है तो आंतरिक ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर बढ़ा आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ा तो आपका आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव हुई, अगर आपका आंतरिक ऊर्जा का मान घटा तो मतलब आंतरिक ऊर्जा का मान
निगेटिव मतलब टेम्परेचर घटा तो आंतरिक ऊर्जा घटा, तो मतलब आपकी जो डेल्टा यू होगा आंतरिक ऊर्जा वो माइनस होगी। यहाँ पर बात यह समझना है कि समतापी प्रक्रम में ताप क्या होता है, स्थिर होता है, अर्थात ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा कि आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जिससे क्या होगा डेल्टा यू इक्वल जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू इक्वल जीरो का मतलब फिर वही प्रोसेस, अर्थात दोस्तों अब क्या होगा जब डेल्टा यू इक्वल आपका जीरो हो गया तो आपका डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू फिर से हो जाएगा, तो गैस द्वारा गैस को दी गई उष्मा गैस द्वारा काम करने में व्यय हो जाएगा। ठीक है, तो जब गैस द्वारा जो उष्मा दी जा रही है वो क्या होगा गैस द्वारा कार्य करने में ही व्यय हो जाएगा। तो सिंपल सा आपने चक्रीय प्रक्रम समझा, और समतापी में आपका टेम्परेचर सेम हुआ जिससे आपका आंतरिक ऊर्जा नहीं न बढ़ती है न घटती, अर्थात डेल्टा यू इक्वल जीरो हो जाती है। आगे दोस्तों आपको दिया है रुद्धोष्म प्रक्रम जिसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है कि वातावरण से ना तो ऊष्मा ली जाती है और ना दी जाती है। मतलब अगर आप कोई ऐसा बॉटल जो आप समझिए दोस्तों चाय वाली जो बॉटल समझिए, ठीक है, या केतली चाय वाली समझिए, उसमें क्या होता है कि ऊष्मा वो क्यों बहुत देर तक गर्म रहती है, क्योंकि बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है अंदर का टेम्परेचर जो रहता है, जो ताप है चाय जितनी गर्म है वो बनी रहती है। ठीक है, इसलिए वो लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, तो ठंडी में इसीलिए देखिए आप बॉटल में क्या होता है कि जो आपकी बॉटल होती है उसमें पानी को गर्म करके भी पिया जाता है तो वो भी लंबे समय तक गर्म रहती है। इसी रीजन के कारण क्या होता है उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो आपका क्या इस प्रक्रम में निकाय तथा वातावरण से ना तो ऊष्मा ली जाती है और ना दी जाती है, अतः क्या होता है डेल्टा क्यू इक्वल जीरो। अब क्या हो गया, अब क्या हुआ दोस्तों डेल्टा क्यू इक्वल जीरो, क्यों, क्योंकि आपका ना ऊष्मा ये क्या है क्यों, तो आपको प्रोसेस क्या था कि हम ऊष्मा देंगे तो आपका क्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा और लेंगे तो निगेटिव होगा। तो लेकिन यहां पर क्या है, यहां तो ना ऊष्मा से वातावरण से दी जाएगी ना ली जाएगी, मतलब डेल्टा क्यू क्या क्या जीरो हो गया। और जब इस फार्मूले को आपको याद रखना है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो इसी प्रक्रम में क्या डेल्टा क्यू इक्वल जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका सिंपली दोस्तों डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू। अब आपको हमने अभी जस्ट बताया है कि अगर आपका डेल्टा डब्ल्यू है तब तो आपका क्या हुआ कार्य द्वारा होगा, मतलब खुद कार्य, लेकिन अगर आपका डब्ल्यू निगेटिव हुआ तो कार्य पर किया, मतलब निकाय पर कार्य किया। जैसे यदि कोई कार्य निकाय पर किया जाता है तो आपका क्या होगा यहां पर, अब देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर आपको ये जियो जो डोनेट किया है यहां पर ये कह रहा है अगर निकाय पर कार्य किया जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, समझिए निकाय पर कार्य किया गया मतलब आपके पास एनर्जी है आप पॉजिटिव है तब आप कार्य करेंगे, अगर आपके पास निगेटिव आपकी एनर्जी नहीं तो आपका क्या होगा निगेटिव होगा। तो ठीक है, यही आपको समझना था रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है, यहाँ पर आपको ये समझा भी दिया गया है, यहाँ पर आपको अच्छे से बताया गया है कि आंतरिक ऊर्जा उतनी ही बढ़ जाती है जितना कि निकाय पर कार्य किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा, जो आंतरिक ऊर्जा किसके इक्वल है डब्ल्यू के, तो आंतरिक ऊर्जा उतनी ही बढ़ जाती है जितना कि निकाय पर कार्य किया जाता है। तो अतः कार्य होता है यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, निकाय द्वारा किया जाता है तो आपका क्या होगा आपका माइनस डब्ल्यू होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, आपका अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो वो माइनस डब्ल्यू होगा, अतः आंतरिक ऊर्जा परिमाप में इस कार्य के बराबर घट जाती है। इस कार्य के बराबर क्या हो जाती है घट जाती है आंतरिक ऊर्जा परिमाण में। आगे देखिएगा, आगे आपको क्या बताया गया समदाबी, समदाबी नाम से ही पता लग रहा, अर्थात दाब वहां पर समान होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस। इसका मतलब यदि किसी प्रक्रम के दौरान आपका प्रेशर स्थिर रहता है, ठीक है, प्रेशर मतलब दाब स्थिर रहता है तो प्रक्रम समदाबी होता है। कैसे, उदाहरण के लिए जल का जमना या बर्फ का पिघलना या जल का वाष्प में बनना, ये सब क्या है आपके, ये समदाबी प्रक्रम के अर्थात आइसोबेरिक प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका दोस्तों हमने बताया जल का जमना या आपका बर्फ का पिघलना या दोस्तों आपका जल का वाष्प बनना या वाष्प ठंडा होकर जल बनना, ये सब किसके एग्जाम्पल है समदाबी। कैसे, माना दोस्तों कि इंद्रमान और नियत दाब ताप पर वाष्प में बदलता है, एक इंद्रमान है वो नियत ताप पर बदलता है, ठीक है, तो जल द्वारा क्या होगी ऊष्मा ली जाएगी डेल्टा क्यू, ये आप जानते होंगे दोस्तों ML2L गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, एल क्या है यहाँ पर, एल क्या है गुप्त ऊष्मा है, तो यहाँ पर जल द्वारा कितनी ऊष्मा ली जा रही है डेल्टा क्यू इक्वल टू ML। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मान के यहाँ पर बताया गया है, अगर आप यहाँ पर ये भी लिख देते हैं समदाबी हेडिंग डालकर कि टेम्परेचर आपको क्या होता है यहाँ पर दाब समान होता है तो इसलिए समदाबी कहते हैं, एग्जाम्पल्स भी लिख देंगे तो बहुत इतने में बेटर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इतना कर देते हैं तो और अच्छा होगा। यहाँ पर बता सकते हैं आपकी माना जल का जो आयतन है V1 है तथा बनी हुई वाष्प की मात्रा कितनी है, आयतन कितना है V2 है, तथा जल द्वारा V2 आयतन से V1 आयतन से V2 तक फैलाने में क्या होगा उसके विरुद्ध एक दाब, उस दाब के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है,
आयतन क्या होगा, V1 से V2 जो हो रहा है उसके विरुद्ध एक दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर W बराबर P इंटू डेल्टा V होता है। क्या होता है, W बराबर होता है P इंटू डेल्टा V होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है, P प्रेशर है, V आयतन है, तो P इंटू डेल्टा V2 माइनस V1 आप लिख सकते हैं, P इंटू V2 माइनस VN। और आपको हमने अभी प्रथम सिद्धांत से क्या बताया, ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत क्या कहा है दोस्तों, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सिंपल आपको इसी फार्मूले में, चूंकि डेल्टा Q जो है वो जल द्वारा उली गई ऊष्मा है, तो आपको यहीं पर लिख देना है Q की जगह पर M इंटू L, और ये पर सिंपल लिख दिया, यहां पर W की जगह पर लिखना है P इंटू V2 माइनस V1, P इंटू V2 माइनस V1। अब आपको दोस्तों यहां पर निकालना क्या है, वाष्प की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या करेंगे, इसको उस साइड कर देंगे, मतलब जो ऊष्मा ली गई है उसमें से P इंटू V2 माइनस V1 को माइनस कर देंगे, तो वही आपकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात डेल्टा U इक्वल टू M इंटू L माइनस P V2 माइनस V1। अब आगे आपको क्या करना है, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होगा, ये एक सम आयतनिक प्रोसेस कहते हैं इसे, अर्थात यदि किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का आयतन नियत रहे, ठीक है, अगर आपका उस निकाय का आयतन कांस्टेंट रहता है तो उसे समायतनिक कहेंगे। कैसे, आयतन में परिवर्तन नहीं होता, आयतन का मतलब समान का मतलब वहां पर आपका जो होगा वहां पर आपके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, जीरो। V इक्वल टू जीरो नहीं दोस्तों, डेल्टा V इक्वल टू, चूंकि इसमें कोई ना कमी होगी ना वृद्धि होगी, ठीक है, तो डेल्टा V इक्वल टू जीरो। अब आपको हमने फार्मूला भी जस्ट बताया कार्य का होता है, कार्य बराबर P इंटू डेल्टा V। क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ये आपका गैस में ये फार्मूला आपका लगता है, और आपका यहां पर P क्या होगा, P तो आपका रहेगा लेकिन डेल्टा V का मान कितना है, जीरो। तो सिंपली आप रखेंगे तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कार्य भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अब आपको दोस्तों यहां ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाना है, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा U इक्वल टू आप उसको करेंगे तो माइनस W ही होगा, डेल्टा W। अब आपका डेल्टा W क्या हो गया, जीरो इस फार्मूले से, ठीक है। अब आपको दोस्तों देखा डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q हो गया, डेल्टा U इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q हो गया, अर्थात कि निकाय द्वारा जो संपूर्ण ऊर्जा है उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में व्यय होती है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे कि समायतनिक में क्या होता है, समदाबी में क्या होता है, रुद्धोष्म में क्या होता है, समतापी में क्या होता है, चक्री में क्या होता है, हमने सब कुछ आपको डिनोट किया। यहाँ पर आपका क्या है, समायतनिक और आयतन सेम, तो मतलब कार्य जीरो, और कार्य जीरो तो मतलब जो आप ऊष्मा देंगे वो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और मॉडल पेपर अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का मॉडल पेपर अपलोड किया, आप जाइए मॉडल पेपर आप प्रीवियस के सभी सब्जेक्ट के देख सकते हैं। धन्यवाद।